चलिए आज आपका सेशन 4 है, चैप्टर 1 है, मैथ का है। फिर से कॉपी कलम आप निकाल लीजिए, मेरे क्लास में आप हमेशा कॉपी कलम निकाल के रखें। और एक बोर्ड पे आपका एग्जांपल दिया गया हुआ है, ठीक है, तो इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, मान लीजिए यहाँ प्लस की जगह पर यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है, आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 5, 20, 14, 7 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो हमारे समझ से इन सबों का एलसीएम आना चाहिए आपको कितना, 5 बाई 20 है तो 20 का टेबल पढ़ते हैं तो 40, 60, 80, 140 आना चाहिए, ठीक है। अब ये 140 आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 2 और 8, 28 आएगा, 28 into 12। तो हम यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 28 into 12, 12 जा, अगर नहीं 12 जा तो उसको बताया था 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, पर 8 1 जा 8, 4 और 8 12 और 1 13, कैरी 1 2 और 1 और 3, माइनस में 336, ओके एड। अब इसको डिवाइड कीजिएगा 7 बार में 7 से 7 मल्टीप्लाई कीजिएगा -49, ये कीजिएगा 10 बार में 10 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका आ जाएगा प्लस में 30, 7 से कीजिएगा 20, 26 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 20, माइनस 10 से कीजिएगा 14, 14 से 1 में कीजिएगा -14, ठीक है, ब्रैकेट में। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा, ठीक है, -3 is 6 plus minus -49 plus 30 plus 20 minus 20 minus plus 40 by 140, ये दोनों ऐड हो जाएगा 9 6 15 4 3 7 और 1 8 3 माइनस में, अब ये ऐड कीजिएगा प्लस 54 डिवाइडेड बाई 140। अब आप सब्ट्रैक्ट कीजिए ग्रेटर माइनस स्मॉलर, 1 8 में से 5 गया 3 3, आपका कंप्लीट रूप से बच जाएगा, ग्रेटर का साइन माइनस डिवाइडेड बाई 140, ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। इससे आपका इस एक एग्जांपल से 1.4 बनेगा, ठीक है। अब 1.5 के लिए, ठीक है, एक तो एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जो सबसे अगला एग्जांपल हम देखेंगे वो देखते हैं, सिंपलीफाई करना है, ठीक है, -5/9, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं, -5/9, उसके बाद मल्टीप्लाई 72/-125, ठीक है। तो चलिए ऊपर नीचा करने वाला है नहीं है, यहां ऊपर नीचा करने वाला है नहीं है, तो क्रॉस में चेक करेंगे, पहले तो माइनस से माइनस क्रॉस में कट जाएगा, 5 से ये कटेगा 25/9 से 8/8, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं है 8 1 जा 8, नीचे से 25/25, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का दूसरा एग्जांपल देखिए, ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल आप देखिएगा, तो लिखिए इसका दूसरा एग्जांपल, आपको मल्टीप्लाई करना है एग्जांपल दूसरा, ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा है -3/2 × 4/5 ब्रैकेट बंद, फिर शायद प्लस प्लस 9/5 मल्टीप्लाई -10/3 -1/2 × 3/4, ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको।
चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट का काम कटने वाला कहीं नहीं है, है 2 1 में, तो माइनस इनटू प्लस, माइनस 3 2 6 / 5 प्लस है तो प्लस कटने वाला है, माइनस इनटू माइनस, माइनस इनटू प्लस, माइनस 9 2 1 मिनट, ये कटने वाला था 9 3 1 तो हमको आएगा माइनस 6। नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, ये प्लस का साइन है, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ कटने वाला नहीं है तो 3 by 8 ले लीजिए। ओके चलिए अब आते हैं, 8 1 और 5 कैल्सियम 40, ठीक है। अब देखिए अब 5 से डिवाइड कीजिएगा 40 को, 8 आएगा, 8 6 48 माइनस प्लस 40 240 माइनस में 240 ब्रैकेट 1 माइनस 8 से डिवाइड कीजिएगा आपका आएगा कितना 5 5 से 50। अब इसको हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, ये माइनस 48 आपका रह जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 240 माइनस 15 सॉरी डिवाइडेड बाय 40। अब देखिए आप गौर फरमाइएगा तो सारा निगेटिव है इसका, तो सारा आपस में रह जाएगा 8 + 5 माइनस साइन जाएगा 13 कैरी 1 4 4 8 और 1 9 और 1 10 कैरी 1 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 40। क्लियर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 आपके इस सेशन के मतलब सेशन 4 में आपको दो एक्सरसाइज, देखिए आपको पहले धीरे धीरे आप आदि नहीं थे, बहुत दिनों से आपकी पढ़ाई रुकी हुई थी इसलिए धीरे धीरे हम लोग चल रहे थे, अब थोड़ा सा हम अपनी गति को बढ़ाएंगे और गति को बढ़ाते हुए कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज उसको देखें, ठीक है। तो सेशन 4 में आपका 1.4 एंड 1.5 दोनों आपका इंटरल हो गया, इंक्लूड हो गया, जो दोनों आपको जाएगा एक बार पीडीएफ में उसको बनाना है, ठीक है।